मैं तुषार आप सभी दोस्तों का 524 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम इस यूट्यूब चैनल पर एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका है टाइटल रहेगा ऑपरेशन से रिसर्च। आप में से कई लोग जानते भी होंगे कि ऑपरेशन से रिसर्च हम किस लिए पढ़ते हैं और ये हमारे किस काम आता है। बाकी हम इसकी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो ये लेक्चर हम इसमें सिलेबस आपको बताएंगे और आपको अगर सिलेबस अपने स्टडी मटेरियल के हिसाब से सही लगता है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही नया लेक्चर अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ इस सब्जेक्ट का। यह है किस किस के लिए बेनिफिशियल है। तो यह बेनिफिशियल रहेगा जिसके कोर्स में इकोनॉमिक रहती है। इकोनॉमिक में एक पार्ट आता है, चैप्टर का नाम आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो वो सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि नया लेक्चर अपलोड होते ही उन सभी के पास नोटिफिकेशन जाए। एक मैकेनिकल प्रोडक्शन लाइन में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है तो इसीलिए मैकेनिकल वाले भी थर्ड सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए मैं बताता हूँ कि ऑपरेशन रिसर्च हमें किस चीज़ के बारे में अवेयर करता है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, गुड्स हैं जिसकी हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ए और बी। दो चीज़ें हमें बनानी है। अगर ए के ऊपर प्रॉफिट है इतने रुपए का, एक्स रुपए का, और बी के ऊपर हमें मिलता है वाई रुपए। अगर हम ए को सेल करते हैं मार्केट में तो हमारे पास प्रॉफिट आता है एक्स रुपए, और बी को सेल करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है वाई रुपए। तो हम कितना ए को सेल, कितनी प्रोडक्शन ऑफ ए करें, कितनी प्रोडक्शन ऑफ बी करें। तो जनरली दिमाग में बात आती है कि जो भी एक्स और वाई में से बड़ा है हम उसी को ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें मार्केट के अदर फैक्टर्स को भी देखना होता है और उससे हमें जो फैक्टर्स हैं वही हमारा लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं लिमिटेशंस। तो इन लिमिटेशंस के बेस पे ये हमारा क्या बनता है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है वो चीज़ हम निकाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमल फंक्शन, ठीक है। तो जो हमारी मार्केट की लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि हम मार्केट की से पहले हमारा जो फैक्ट्री में ही लिमिटेशंस आती हैं कुछ, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो है ए का प्रोडक्शन और बी का प्रोडक्शन कुछ इस तरह हो कि हमारा जो मशीन M1 की टाइमिंग है वो कुछ टाइम मान लीजिए 4 मिनट की है, सॉरी 4 आवर्स की है, कि इतने देर के बाद हमें एक बार मशीन बंद करनी पड़ेगी। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना है 4। तो हम ए को कितना टाइम दें, बी को कितना टाइम दें जिससे हमारा जो है फंक्शन, जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो, ठीक है। मान लेते हैं कि एक और कंस्ट्रेंट है, जैसे इसका तो टाइमिंग होगी M1 मशीन पे, इसमें हमें जैसे ग्राइंडिंग करनी होती है, उसके बाद हमें इसकी फिनिश मतलब फिनिशिंग के लिए अलग से एक मशीन चाहिए। तो जैसे हम कह सकते हैं कि फोर्जिंग के बारे में मैकेनिकल वाले जानते ही होंगे। तो जो फोर्जिंग है उसके बाद हमें इसकी जो है फिनिशिंग के लिए मटेरियल को भेजना पड़ता है, टर्निंग वगैरह होती है, तो टर्निंग मशीन, ठीक है। तो मैं अभी दो का एग्जांपल लेता हूँ। तो फोर्जिंग मशीन मान लीजिए कि 8 घंटे चलती है और टर्निंग हमारी 4 घंटे चलती है, लेट्स सपोज, बाकी इससे ऊपर ही चलती हैं, इस इतनी देर में किसी फैक्ट्री का काम नहीं चलता। लेकिन हम अभी सपोज करके चलते हैं कि 8 आवर्स की फोर्जिंग की टाइमिंग है, 4 आवर्स की टर्निंग की टाइमिंग है। तो हमें कुछ इस तरह से ये दो हमारी क्या आ गई लिमिटेशंस। तो हमें ए और बी को जितना भी टाइम देना है, तो X1 अगर हम ए के लिए टाइम मान के चलते और X2 बी के लिए, तो ये किस तरह से कम होना चाहिए दोनों का मिला के, ये होना चाहिए हमारा किसके केस में, फोर्जिंग के केस में, तो 8 से कम होना चाहिए, 8 आवर्स से इनका टाइम कम होना चाहिए। तो एक्स की कितनी यूनिट्स
यूनिट्स ऑफ ए, यूनिट्स ऑफ बी, एक यूनिट इतना टाइम लेगी और बी यूनिट इतना टाइम लेगी, तो वो दोनों कितनी 8 घंटे से कम होनी चाहिए, तो कितनी यूनिट्स की प्रिपेयर होंगी। तो ये ऐसे ही जो लिमिटेशंस की इनइक्वालिटीज़ बनती हैं हम उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। और एक इनके अलावा एक आता है हमारे पास कि हमें कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन करना ही होता है, तो फाइनली जो भी जितने भी ये वेरिएबल्स होंगे उनकी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, हम इसको नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में नेगेटिव कंसीडर करने का क्या मतलब है कि अगर ये कोई एक चीज़ है इसकी नेगेटिव प्रोडक्शन करनी है, इसका मतलब क्या है, हमें इसको फिनिश करना है। तो प्रोडक्शन में हमेशा जो है प्लस में ही चलते हैं, ठीक है। तो ये था कंस्ट्रेंट। तो अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान चुके हैं कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं। हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कोई प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद हमें उसका सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। इन कंस्ट्रेंट्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद उसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अंदर उनकी वैल्यू पुट करनी होती है, जिससे हमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट का जो है थोड़ा अंदाज़ा चलता है कि हम अगर ये हमारी लिमिटेशंस हैं। काफ़ी छोटे फैक्टर हम इसमें अवॉइड करते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल लाइफ में। थ्योरेटिकल में हम सारी चीज़ें कंसीडर नहीं करते, कुछ जो लिमिटेशंस हम थोड़ा सा फोकस मेन रहता है उन सब के हिसाब से कंस्ट्रेंट्स को तैयार किया जाता है। उसके हिसाब से लीनियर प्रोग्रामिंग बनने के बाद हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं कि इसको सोल्व कैसे किया जाए। तो उसके हमारे पास नेक्स्ट अलग अलग तरह के मेथड्स हैं जो कि हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। तो इस कोर्स में आपका सिलेबस रहेगा, सबसे पहले ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जा सकता है। सबसे पहला तो आप पढ़ चुके हैं ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि किसी भी 2 इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जाता है। तो आप इसके बाद इस पे छोटा सा इंट्रोडक्शन ही रहेगा, उसके बाद अपना मेन फोकस रहेगा लेक्चर नंबर सिंप्लेक्स मेथड पे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, सिलेबस आपका कुछ इस तरह से रहेगा, फर्स्ट लेक्चर सिंप्लेक्स मेथड, सेकंड लेक्चर बिगम मेथड, थर्ड लेक्चर सिंप्लेक्स के स्पेशल केसेस, फोर्थ लेक्चर ड्यूअलिटी थ्योरम, देन उससे नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड। तो ये सब आपके कैसे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जेड ऑप्टिमल निकालने के लिए। देन इसके बाद ये तो प्रोडक्शन लाइन के केसेस हो गए, हमारा फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम जैसे कह सकते हैं कि कई नंबर ऑफ पाथ्स हैं, जैसे यहाँ पर कोस्ट लिखी रहती हैं, कुछ भी कोस्ट मैं अभी लिख रहा हूँ, 0 तो ऑफ कोर्स नहीं होगी क्योंकि कोई 0 रुपए लेकर ट्रांसफ़र नहीं करता, तो ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट हैं, ठीक है। तो आप इसमें ओरिजिन से लेके किसी फिक्स डेस्टिनेशन तक आपको अपनी माल की सप्लाई करवानी है, तो डिमांड कितनी है, कितनी आपको चाहिए और कितनी सप्लाई दे पा रहे हैं, ये दोनों आपको प्रॉब्लम में गिवन रहते हैं, ठीक है, कुछ भी रहे, ठीक है। तो इसमें आपको देखना होता है कि फर्स्ट, अगर मैं इसको बोलूँ कोई गोडाउन वगैरह, तो फर्स्ट गोडाउन से ये मैं अगर नाम दूँ ABC, तो C डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में कितना कॉस्ट आ रही है, तो वो 3 रुपए की आ रही है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें जो सेकंड गोडाउन से कोई माल पहुंचाना है, तो ए इतनी कॉस्ट ले रहा है, बी इतनी ले रहा है और सी इतनी ले रहा है, तो ये सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ऐसे ही थर्ड गोडाउन से, ठीक है, तो ये ओरिजिन और डेस्टिनेशन हो गए। तो अभी आप बस थोड़ा सा प्रॉब्लम को विजुअलाइज करने की कोशिश करिए कि ये चीज़ें क्या हैं। तो ये गोडाउन, आप इसी तरह से इसको याद रखना, ये गोडाउन,
वो ए बी सी क्या है डेस्टिनेशंस, तो इनकी कॉस्ट कितनी पड़ती है वो अलग अलग ड्राइवर अलग अलग ले रहा है, ठीक है। तो ये कॉस्ट होगी। सप्लाई हमारी मान लीजिए हमें 5 यूनिट्स की सप्लाई मिल रही है और रिक्वायरमेंट हमारी 3 यूनिट की है, ठीक है। यहाँ से रिक्वायरमेंट हमारी 3 यूनिट की है, सप्लाई कितनी है 5 यूनिट की, किसके लिए ए के लिए। ए को कितनी चाहिए 3, सप्लाई कितनी है एक गोडाउन से 5 की, लेकिन हम अब 5 तो नहीं ले सकते यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पर कवर करेंगे क्योंकि ये चीज़ें एडिशन पे और ये चीज़ें एडिशन पे यहाँ पर दोनों सेम आनी चाहिए। सेम आती है तो हम इसको क्या कहते हैं बैलेंस्ड प्रॉब्लम। जितनी सप्लाई है उतनी ही हमारे पास डिमांड है, या जितनी कही है जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई फुलफिल कर रही है तो सप्लाई होगी, ठीक है। तो कुछ हम इस तरह से प्रॉब्लम को क्लासिफाई करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले ऐसी प्रॉब्लम जब हमारे पास आती है तो हम इसमें क्या करते हैं कि हमें इसमें सबसे पहले तो ये निकालना होता है कि हम कैसे कैसे अपने माल को कहाँ कहाँ से डिलीवर कर सकते हैं, हमारी सप्लाई कितनी है डिमांड कितनी है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता है तो वो हम फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो फिजिबल नॉन फिजिबल मैं आपको सबसे पहले ग्राफिकल मेथड सिंप्लेक्स मेथड से पहले जो इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ उसमें आपको थोड़ा विजुअलिटी हो जाएगी कि ग्राफिकल से कि फिजिबल क्या है और नॉन फिजिबल सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेसिकली अगर आप समझ सके। तो अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये एक कंस्ट्रेन है, ये 2 कंस्ट्रेन है, ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होता है और ये हमारा नॉन फिजिबल सॉल्यूशन होता है। ये फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप समझ रहे होंगे तो जो दोनों में कॉमन रहता है वो फिजिबल है, जो एक में कॉमन है यहाँ से दूसरे में कॉमन है लेकिन दोनों में एक साथ कॉमन नहीं है उसको बोलते हैं नॉन फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारा जो कोई भी एक ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन जो इस प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करता है उसको हम निकालते हैं 3 तरीके से। कौन कौन से 3 तरीके होगी, नॉर्थ वेस्ट रूल, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ठीक है रूल, और नेक्स्ट हमारा लिस्ट कॉस्ट मेथड, ठीक है LCM ये लिस्ट कॉस्ट मेथड है। नेक्स्ट हमारा रहता है VAM मेथड, वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। तो हम इससे क्या निकालते हैं फिजिबल सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का। अब हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो मिल गया, जैसे ये पहुंचा सकता है, ये पहुंचा सकता है और ये पहुंचा सकता है, हमारा काम चल जाता है उससे, ठीक है। तो अगर आप तो इससे आपका काम चल जाता है तो, लेकिन हमें काम नहीं चलाना, हमें क्या करना है अपने कॉस्ट को सेव करना है बचाना है। तो यहाँ पर हम बेसिकली मिनिमम, ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम से हम मिनिमाइज सॉल्यूशन निकालते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए। वहाँ पर प्रोडक्शन लाइन में हमें क्या करना था, अपने प्रॉफिट के हिसाब से मैक्सिमाइज प्रॉफिट निकालना था। यहाँ पे हमें अपने माल की सप्लाई पहुँचानी है एक ओरिजिन से किसी डेस्टिनेशन तक, गोडाउन से किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक, किसी और प्लेस तक। तो हम ऐसी प्रॉब्लम्स में अपना कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको अगर ये हमारे पास कोई एक फिजिबल सॉल्यूशन आ जाता है तो अब मान लीजिए अगर वो टोटल ए बी सी इनकी सप्लाई आती है 300 रुपये कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन से, बेसिकली इनका ऑर्डर रहता है, ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट देता है LCM सबसे इससे थोड़ी कम और VAM सब इन सबसे कम। ये मेरी खुद की अपनी ऑब्जर्वेशन है, बाकी आप जब खुद सॉल्व करेंगे आप भी ऐसी ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो मान लिया कि मैंने VAM मेथड से 300 रुपये की पर कॉस्ट आई है फिजिबल सॉल्यूशन में, तो हमारे तीनों
गोडाउन से माल की सप्लाई हो चुकी है और फाइनली हमारे सारे जो है अपने अपने डेस्टिनेशन तक यूनिट्स पहुंच गए, तो उसके लिए कॉस्ट आई 300 रुपये। अभी हमें चेक करना है कि इससे भी क्या कम हो सकती है, अगर यही रेट्स हैं कुछ, अगर हमने अगर ये 3 से पहुँचाया तो हम क्या 2 से पहुँचा के ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ से डिमांड और सप्लाई अलग अलग रहती है, तो हम पर्टिकुलर उसको तो ले भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे क्या है डिमांड ही जीरो ऐसी की। तो ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमें सभी फैक्टर्स को थोड़ा ध्यान में रखना होता है, तो इसीलिए मैथमेटिशियंस ने अपने अपने मेथड्स दिए हैं ताकि हमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और हम डायरेक्ट अपने सॉल्यूशन तक भी पहुँचाएँ। तो 300 से भी रिड्यूस हो सकती है, इसको हम 2 मेथड से चेक करते हैं। एक हो गया हमारा स्टेपिंग स्टोन मेथड, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा यूवी मेथड। तो ये 2 मेथड्स हम पढ़ते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए, किस चीज़ के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में। तो ये हमारा एक लेक्चर में कवर हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में ये, उससे नेक्स्ट में ये, तो 3 लेक्चर्स तो हमारे ये हो गए। उसके बाद आता है सेंसिटिविटी एनालिसिस, जो कि मेनली फोकस्ड रहेगा सिंप्लेक्स मेथड के ऊपर। सिंप्लेक्स मेथड में हम जो कंस्ट्रेन, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ा एक एग्जांपल दिया था ए और बी का प्रोडक्शन में लिमिटेशंस का, तो मान लीजिए वो टाइम इंक्रीज हो गया, टाइम डिक्रीज हो गया, हमारी ए की बजाय, ए बी की बजाय अभी हमें 3 प्रोडक्ट्स की और मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट करनी है, तो उसमें वेरिएबल बढ़ जाएंगे। अगर मान लिया कि कोई बिजली कट आ रहा है, जैसे गर्मियों के टाइम थोड़ा सा बिजली कट ज़्यादा चलता है, तो उस टाइम क्या होगा, एक लिमिटेशन फैक्टर और भी हमारा बढ़ जाता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके लिए एक और कंस्ट्रेंट का को जनरेट करेंगे, तो उसके बाद हमारा क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, क्या हमें शुरू से सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। हम उसको उसी ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कुछ चेंजेस करके हम उसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारा अभी यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या चेंज होगा, कई बार चेंज नहीं भी होता है। तो इसको बोलते हैं हम सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसमें हम मेनली 7 पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, तो 7 पॉइंट्स थोड़ा सा काफ़ी लंबा हो जाता है, तो एटलीस्ट वो 3 लेक्चर्स में तो कवर होगा। तो अभी तक का जो मैंने आपको सिलेबस बताया वो कुछ इस तरह है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूँ आपको कोर्स पसंद आएगा। आज के भी लेक्चर में आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट रिलेटेड क्लैरिटी मिली होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।